और मेव देखिए इस अलवर, भरतपुर, नूह और थोड़ा मथुरा में बसते हैं जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ था। मैंने भी पूरा इतिहास निकलवाया जागाओं से कि भाई हमारा इतिहास क्या है। तो उस इतिहास में निकल के आया कि मेव तो राम और कृष्ण के वंशज हैं। चाहे धर्म का परिवर्तन हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन खून तो आदमी का नहीं बदलता, खून तो हम में राम और कृष्ण का ही है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखें सब लोग कि मेव क्या है और इन्हें मेवा समझे। इन्हें बार बार पिछड़े और ये वो कहने की किसी को जरूरत नहीं है। अभी आप 10 साल में देखिएगा कि मेव कहाँ पहुँचे हुए। जब हम 3 विधायक यहाँ पहुँचे हुए तो आप सोचो हम कहाँ कहाँ आगे भी पहुँच जाएंगे। कि मेवात को पिछड़ेपन से ना जोड़ देखा जाए, जितना ज़्यादा हो सके मेवात में विकास होना चाहिए। इसके लिए मेवात बोर्ड भी बनाया गया था जिसका बजट पिछली बार 25 करोड़ था। मुझे लगता है उसको कम से कम 100 करोड़ होना चाहिए। इस बार का सारा बजट स्कूल्स में लगा है, रूम्स में लगा है, पूरा 100% बजट उसमें लगा है। और 3 विधायक यहाँ मेवात से आते हैं, 3 विधायक आते हैं, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ बढ़िया इलाके में हमारे होना चाहिए ताकि लोगों को भी लगे कि हमने उनके लिए काम किया है। और मेव देखिए इस अलवर, भरतपुर, नूह और थोड़ा मथुरा में बसते हैं जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ था। मैंने भी पूरा इतिहास निकलवाया जागाओं से कि भाई हमारा इतिहास क्या है। तो उस इतिहास में निकल के आया कि मेव तो राम और कृष्ण के वंशज हैं। चाहे धर्म का परिवर्तन हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन खून तो आदमी का नहीं बदलता, खून तो हम में राम और कृष्ण का ही है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखें सब लोग कि मेव क्या है और इन्हें मेवा समझे। इन्हें बार बार पिछड़े और ये वो कहने की किसी को जरूरत नहीं है। अभी आप 10 साल में देखिएगा कि मेव कहाँ पहुँचे हुए। जब हम 3 विधायक यहाँ पहुँचे हुए तो आप सोचो हम कहाँ कहाँ आगे भी पहुँच जाएंगे।